अल्हम्दुलिल्लाह आज शाहीन शुरू हुए 31 साल हुए 31 ईयर्स हुए। तू अभी रह गुजर में है कैदे मकाम से गुजर। आज ही के दिन 31 दिसंबर 1989 को शाहीन 17 बच्चों के साथ एक क्लासरूम में शुरू हुआ था। मिस्रो हिजाज से गुजर, मिस्रो हिजाज से गुजर, पारसो शाम से गुजर। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मुल्क के तकरीबन 8 रियासतों में 45 ब्रांचेस हमारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर यकीनन हमको इब्तिदा में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। रफ्ता रफ्ता काम होता गया और आज बीदर में तकरीबन 23 रियासतों के स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं। जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है, जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है। فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، एजुकेशनल सिस्टम पर मैं बात करना चाहता हूँ। शायद इससे ज़्यादा मौजूद जगह कम होगी जहाँ मैं एजुकेशनल सिस्टम के बारे में अपने कुछ तालिबिल्माना ख्यालात पेश कर सकूँ। क्या इस बात में कोई शक है कि सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन ने हर इंसान को सेल्फ सेंट्रिक बना दिया, सेल्फिश बना दिया, लेकिन इंसान को इंसान बनना नहीं सिखाया। हैव यू एनी डाउट अबाउट इट? इसने इंसानियत को बहुत कुछ सिखा दिया लेकिन इंसान को इंसान बनना नहीं सिखा। इंसान को इसने हवाओं में उड़ना सिखा दिया, इंसान को इसने पानी के अंदर तैरना सिखा दिया, लेकिन इंसान को इसने जमीन पर चलना न सिखाया। हमें जरूरत है मेरे काबिल एहतराम हजरात, we dearly need an educational system which integrates professionalism with values. जो यंग स्टूडेंट्स मौजूद हैं, असल में मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं। यू आर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू आर फ्यूचर ऑफ अवर नेशन। और मैं मुबारकबाद देता हूँ शाहीन ग्रुप को और अपने कदीर साहब को, उनकी पूरी टीम को। मैं समझता हूँ इन्होंने इस देश के सामने एक बहुत अच्छा नमूना पेश करने की कामयाब कोशिश की। इकबाल ने शेर कहा था एक अच्छे इंसान की तारीफ में कि उसके उसकी तमन्नाएं कलील, उसके मकासिद जलील।
would like to thank the chairman Shaheen Group of Institution, Dr. Abdul Kadir, for inviting me. Had a good experience. We educated a lot of people, especially in Egypt. As all of you know, a historical leader, Jamal Abdel Nasser, when he gave a chance for the Palestinian people to study as the Egyptian citizen. मेरे बड़े भाई डॉक्टर कदीर साहब और पूरी शाहीन और उनकी पूरी टीम और उनके तमाम रफ़का यानी सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने कामयाबी के 31 बरस पूरे कर लिए। प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मौलाना सज्जाद नौमनी साहब। हु एल्स यू वांट टू टेल यू? A person like Maulana Sajjad Nomani has made my job so easy. Listen to him, and I am a pharmacist who can dispense that medicine to you at your doorstep. मैं फिलिस्तीन से आए हुए हमारे मेहमान का शुक्रगुजार हूं, साथ ही साथ जो मलेशिया से तशरीफ लाए हैं सुसान अप्पा वाली साहब, जो है हमारी दावत तशरीफ लाए, मेरे छोटे भाई अब्दुल मन्नान सेठ यहां मौजूद हैं। वक्त शौक परवाज है जिंदगी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत आखिर में तय हुआ था और यकीन ही नहीं था कि मौलाना का सफ़र कैसा होगा। हमारे स्टूडेंट्स, हम और शहरियान बीदर दुआएं कर रहे थे कि मौलाना का सफ़र आसान हो जाए। अल्लाह कबूल कर लिया और मौलाना यहाँ है और ये हमारी कामयाबी का जरिया बना, कामयाबी की दलील है। जज़ाकल्ला। सितारों से